ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਜ 180 ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕ ਅਟਾਰੀ ਬਾਘਾ ਸੜਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। आज आप जा रहे हैं पाकिस्तान, कैसा लग रहा है, किस लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ पे मेरी मदर बीमार थी बहुत शदीद, मैं अपनी माँ को देखने आई थी। अब उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन मेरे दो बच्चे वहाँ पाकिस्तान में हैं, तो इस वजह से मैं अपने ससुराल अपने घर वापस जा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बच्चों से मिलूँगी जाके। कितनी देर बाद वापस जा रहे हैं? हम लोग 3 महीना अब रह चुके हैं यहाँ पे। लॉकडाउन की वजह से फंसे थे? जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। ठीक। 65 साल वीज़े से मैं गया था इंडिया। इंडिया वालों ने मुझे वीज़े दिया। कहाँ आए थे आप? मैं यहाँ ज़िला भरतपुर, तहसील पहाड़ी, थाना जुरेरा और मेरे ख्याल हरियाणा राजस्थान। क्या कहना चाहेंगे, आज वापस जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर, इतनी खुशी है कि अल्फाज नहीं मेरे पास, जितना मैं खुश हूँ आज के दिन। और हमें देखो, इंडिया हुकूमत ने हमारे बहुत कुछ दिया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और अब ये जो मैं जा रहा हूँ, पाकिस्तान एम्बेसी ने मुझे करा के दिया है, कागजी मेरे पास है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश। ये जो गड़बड़ इन दोनों मुल्कों के अंदर है ना, ये दोनों मुल्क बेवकूफ़ हैं। वरना ये दो भाई, एक बाप के दो भाई हैं, एक इधर हो गया एक उधर हो गया, फर्क तो इतना ही है। ये खाम खा झगड़ा करते हैं आपस में, आना जाना हो, एक दूसरे से लेन देन हो, बड़ा खुशहाली है। हमें किसी की से कुछ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम दोनों मुल्क एक होकर रहे तो। हम कराची के रहने वाले। क्या कहना चाहेंगे, आज आप वापस जा रहे हैं, कितनी देर बाद? 3 महीने हो गए हम लोग अब वापस जा रहे हैं। बहुत खुश है और सबके शुक्र गुजार हूँ कि हम अपने वतन जा रहे हैं। किस काम की वजह से आप यहाँ पे आए? हम यहाँ अपने बहू बेटे और अपने हमारे भाई भतीजे चाचा चाची सब रहते हैं, उनको उनसे मिलने आई थी। ठीक। क्या कहना चाहेंगे, आज वापस जा रहे हैं, कब आए थे और यहाँ पे आप किस काम के लिए आए? सर, मैं हम आए थे 19 फरवरी को, हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। 21 फरवरी को मेरी वहाँ आमद थी और मेरा ससुराल है यहाँ। अपने ससुराल मेरी सास की तबीयत काफ़ी शदीद नासाज थी, तो उनको देखने के लिए आए थे। बस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हम फंस गए यहाँ पे। आए थे 45 डेज़ के लिए, लेकिन 3 मंथ अब हो चुका है यहाँ पे, और हम बहुत परेशान थे। उस वजह से परेशान नहीं थे कि यहाँ पे हम कोई दुश्वारी थी, कोई परेशानी थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन तारे दो बच्चे हम वहाँ छोड़ कर आए थे, बच्चे वहाँ परेशान, दो बच्चे मेरे वहाँ परेशान हो रहे थे। सिर्फ परेशानी वहाँ की थी कि बच्चे मेरे वहाँ अकेले हैं, परेशान हैं, बाकी यहाँ कोई परेशानी थी। मैंने अपने हाई कमीशन पाकिस्तान एम्बेसी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बर वक्त हमारी रिक्वेस्ट को कबूल की और जितनी वहाँ हो सके उन्होंने हमारी कोशिश की हमारे लिए। इंडिया के जितने भी लोग हाई कमान के लोग बैठे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका थैंक्स कहना चाहता हूँ। और हमारे जितने पाकिस्तान एम्बेसी के लोग बैठे हैं, मैं उनका थैंक्स कहना चाहता हूँ। जावाद अली साहब हैं, गुल साहब हैं और जितने भी हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन मेंबर हैं और जितने इंडिया के हाई जितने भी लोग मेंबरान हैं जो इसमें शामिल हैं हमें भेजने के लिए, मैं उनका बहुत थैंक्स अलॉट फॉर। बस ये बहुत खुशी हो रही है, आज हम बहुत खुश हैं कि हम अपने वतन जा रहे हैं। और तो जा रहे, यह ससुराल है वो हमारा घर है, यह ससुराल भी तो इंडिया भी हमारा अपना है, पाकिस्तान भी हमारा अपना है। तो बस अल्लाह करे ये कोरोना जैसे मामला को ख़त्म हो, तमाम मामूल ज़िंदगी मामूल तौर पर आए और बस सब मामला का। सिंह परमार, IG बॉर्डर अमृतसर। श्री विक्रमजीत सिंह दुग्गल, IPS सीनियर पुलिस कप्तान अमृतसर देहाती वालों सानू इतने डिप्यूट किया गया जी। एज़ पर लिस्ट, एज़ पर रिकॉर्ड, अज 179% जी उन्होंने वीज़ा कन्फर्म हो चुका है। तो अज की डेट उन्होंने दी गई सी, अलग अलग राज्यों तो जी 10 राज्यों के पंजाब अलग अलग इंडिया के 10 राज्यों तो 189% जी इतने पहुँच रहे हैं, कुछ पहुँच चुके हैं तो कुछ आ रहे हैं, जिन्हों अज 10 बजे के करीब आफ्टर इमीग्रेशन सारे उधर भेजा जाएगा। तो इन्हों इमीग्रेशन पाकिस्तान रेंजर हवाले किए जाए किस जी जी इन्हों 10 बजे जो होएगा मेडिकल टीम अंदर जी साड़ी पंजाब की पंजाब सरकार वालों मेडिकल टीम अंदर डिप्यूट की गई है,
BSF ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ 1x1 ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ 0 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਲੱਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ 0 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ।